हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आपको अपने ईबे अकाउंट और पियोनियर अकाउंट को लिंक करना है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन सबके पास आ रहे हैं ईबे के एंड से। अभी आपको देखना है कि आपके अकाउंट में आप उसको लिंक कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको अपने ईबे के अकाउंट में लॉग इन करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको माई ईबे पे जाना है, सेलिंग पे क्लिक करना है। सेलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे पेमेंट्स में आपको क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन जो है समरी का, उस पे आपको क्लिक करना है। तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगा, आप पेमेंट्स एंड समरी में क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अभी देखिए, यहाँ पे ईबे इज मैनेजिंग पेमेंट्स ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आना चाहिए। तो अगर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप रजिस्टर कर सकते हैं ईबे एंड पेयोनियर के लिए। तो आपको यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ रजिस्टर पे जाने से पहले आपको पियोनियर का अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और चैट में डाल दूंगा, आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज आपके पास ये वाला आएगा। तो यहाँ पे इनने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। कनेक्ट अ पियोनियर अकाउंट सिंक ईबे एंड पियोनियर प्रोफाइल, एड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फॉर सेलर चार्ज, सेलिंग कॉस्ट, सबमिट रजिस्ट्रेशन इन्फो। तो ये चार स्टेप आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देखिए अभी ये पेज आएगा, कनेक्ट अ पियोनियर अकाउंट। तो स्टेप वन में यस साइन इन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब यहाँ पे स्टेप टू में जाएंगे आप, सिंक योर प्रोफाइल। सो ये आपको डिटेल्स देखने हैं, आपको इसमें नीचे आना है इस पेज पे। यहाँ नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऐड अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये लास्ट स्टेप है सबमिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको सबमिट करनी है अपनी रिक्वेस्ट। और ये लास्ट पेज आएगा यू आर ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने ये प्रोसेस आपके एंड से पूरा कर लिया है। अब ईबे आपको नोटिफिकेशन भेजेगा जब आपका पेमेंट जो है ईबे से आना चालू हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही करना है और आप ये करने के बाद आपको वेट करना है ईबे के नोटिफिकेशन का। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यही क्लोज करता हूँ। अगर आपने अभी तक अपना पियोनियर का अकाउंट नहीं बनाया है तो उसका मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में, तो आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और वो वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ जहाँ पे मैंने पियोनियर का अकाउंट क्रिएट करना बताया हुआ है। तो ये ईबे में अगर आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं तो ये छोटे से चार स्टेप हैं, इसको फुलफिल कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।